मैं खफा था, शिकवे भी बहुत थे मुझे, और शिकवे कहां होते उल्फत, कहां होते जहां मोहब्बत हो, जहां रिश्ते हो। तुम मुझे छोड़ के जाने की बात क्यों की थी? क्योंकि तुम मुझसे ना उम्मीद हो गई थी, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा, अपने वादे से मुकर जाऊंगा, जबकि तुम ये जानती हो कि मैं वादों को मोहब्बत की तरह समझता हूं, पर मोहब्बत में तो बेवफाई नहीं होती। तो फिर तुमने कैसे समझ लिया कि मैं बेवफा हूं? जैसे तुमने सोच लिया था कि मैं ना उम्मीद हो गई हूं। मुझे यकीन था तुम आओगे। मेरे यकीन पे पूरे उतरे थे शाहान। तो फिर तुमने तैयारी क्यों नहीं की? तुम्हें तंग कर रही थी यार। मैं चाहती थी कि तुम आओ, तुम मिलकर साथ मौसम को एंजॉय करें, मगर मुझे भी माफ कर दो उल्फत, मुझसे भी गलती हो गई। एक शब्द जो तुम कहो। मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं कैसे चाय बना सकता हूँ? जैसे मैं बनाया करती थी। मैं कोई लम्हा भी समय नहीं करना चाहती, और यादव का भी पहला कोई वक्त मुकर्रर है। मैंने जानते हो
तुम्हारी ये बद जायका चाय के जायके के लिए तरस गई थी मैं। शायद मैं इस तारीफ के लिए तरस गया था। जानते हो, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं अपने बचपन को जी रही हूँ, जैसे सारा बचपन नजरों के सामने आ गया। कितना खूबसूरत था ना हमारा बचपन। तुम्हारा होगा खूबसूरत, मेरा तो पिटते पिटते मारे खाते खाते। गलती तुम करती थी और अम्मा की सारी सजा मुझे मिलती थी। हाँ तो सताते भी तो उतना थे तुम मुझे। हाँ तो तुम रोती भी तो इतना थी, यहाँ तुम्हारा आंसू टपकता था और वहां अम्मा की चप्पल उठती थी। कसम खुदा की इतने जख्म खाए मैंने, जख्मी होके रह जाता। सब याद है, ये याद नहीं कि मरहम भी मैं ही लगाती थी। हाँ, और देखते नहीं थे मरहम लगाती कैसे, तुम कहते थे हाँ दर्द तो खत्म यूं झटके में। और अंटी को जाता था जादू वाली मरहम। जख्मी तो अब भी हूं मैं, सोलता हूं क्या मेरे इन जख्मों पे मरहम नहीं लगाओगे तुम? क्या इस दर्द को दूर नहीं कर सकती जो दर्द तुम्हारी दूरी की वजह से है?